जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि किसानों और ईंट भट्टा मालिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही सीएम से मिलकर वार्ता की जाएगी। लड्ढोरा में रुड़की लक्सर मार्ग पर एक ईंट भट्टे का शुभ मुहूर्त किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी रहे। इस दौरान चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना पर्ची का वितरण उपयुक्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसानों को गेहूँ की बुआई करने के लिए सस्ते दाम पर गन्ने को केलहुओं में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व सभासद वहीद ने कहा कि मोबाइल मैसेज से गन्ना पर्ची भेजी जा रही है। ज्यादातर किसान अनपढ़ होने से पर्ची की तिथि निकाली जाती है, इसलिए गन्ना पर्ची पहले की तरह भेजी थी। ईट एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश त्यागी ने कहा कि सरकार हर उद्योग को चलाने में सहायता करती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ईट भट्टों के संचालन में कोई सहायता नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि सरकार ने GST 5 से बढ़ाकर 12% कर दी, टैक्स में काफी बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके चलते ईट भट्टे को चलाने के लिए काफी परेशानी हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर किसानों और ईंट भट्टा स्वामियों की समस्याओं के बारे में बात की जाएगी। किसानों और भट्टा मालिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। यह राजा भट्टा का शुभ मुहूर्त होने जा रहा है, इसी का प्रोग्राम था। यहाँ किसान भी थे और भट्टे मालिक भी थे, उनकी कुछ समस्याएं थी छोटी बड़ी, उन्होंने वे रखी। हम सब लोग ये इकट्ठे होंगे, अपनी समस्या जो है उन्होंने रखी तो उसका समाधान जो है उसको पूरा करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं कहता हूँ कि 100% दूर हो पाएंगी। और जो है भट्टे वालों की कुछ समस्या थी वो हमने रखी है, और गन्ना किसानों की बहुत समस्या थी, क्योंकि इस टाइम जो है गेहूँ बुआई का समय चल रहा है और जो शुगर मिल है वो अपना इंडेंट नहीं भेज रहे, पर्चियाँ नहीं आ रही लोगों की, जो है वो ऐसी कुछ समस्या थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो चौधरी किरण सिंह जी हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष, वो इनका निवारण करवाएंगे। धन्यवाद।